हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ 7 इम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स जो आप साड़ी पहनते हुए नोइंगली एंड अननोइंगली करते हैं। अगर ये छोटे छोटे से पॉइंट्स से आप इनको ध्यान में रखेंगे तो साड़ी ड्रैप करने में आपको बहुत ज़्यादा ईजी पड़ेगा अगर आप एक बिगनर हैं तो। एंड ये छोटे छोटे मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे टिप्स मैं शेयर करना चाहूँगी आप लोग के साथ। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगेगी तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ द सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक ऑफ योर साड़ी। सो आप अगर साड़ी के फैब्रिक सिलेक्शन में भी थोड़े बहुत ध्यान देंगे तो आप जो साड़ी पहन रहे हैं आप उसको बहुत अच्छी तरह से फ्लॉन्ट कर पाएंगे, एंड आपके बॉडी टाइप जो है उसके अकॉर्डिंग आप लाइक आपको सूट करेगा वो साड़ी फैब्रिक। अगर आप बहुत ज़्यादा थिन हैं तो आपको स्टिफ फैब्रिक चूज़ करना चाहिए अपने लिए, जो थोड़ा हार्ड रहे। लिनेन, कॉटन एंड नेट फैब्रिक भी, जो थोड़ा सा हार्ड नेट रहता है वो आप चूज़ कर सकते हैं अपने लिए। एंड खादी हैंडलूम फैब्रिक जो रहता है वो आपके लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड अगर आप थोड़े से बल्की साइड में हैं तो आपको ऐसा फैब्रिक चूज़ करना चाहिए जिससे जो आपके बॉडी लाइक बॉडी को हग करे, लाइक जॉर्जेट, शिफॉन एंड सिंथेटिक भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो बस इस टाइप के फैब्रिक्स को आप अपने बॉडी टाइप्स के अकॉर्डिंग उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप चूज़ करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा फ्रंट अच्छे से कर पाएंगे साड़ी को, एंड आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से वो सूट करेगा। एंड आप बहुत ग्रेसफुल लगेंगे आप अगर वो साड़ी को कैरी करेंगे तो। आप जैसे देख सकते हैं कि मैं थोड़े से बल्की साइड पे हूँ, लाइक बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा फैट भी नहीं हूँ। तो मुझे, मैं पर्सनली थोड़ा सा स्टिफ फैब्रिक जो रहता है उसे अवॉइड करती हूँ, लाइक ऑर्गेन्जा सिल्क एंड कॉटन साड़ी, इस टाइप के फैब्रिक्स को मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। एंड जैसे आप अभी देख सकते हैं मैंने जॉर्जेट मटेरियल वेयर किया हुआ है, तो मैं इस टाइप के साड़ी को प्रेफर करती हूँ पहनना जो मेरे बॉडी को हग करे एंड उसमें मैं थोड़ी सी स्लिम नजर आऊँ। तो इस टाइप के ट्रिक्स को आप भी फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही छोटे से पॉइंट हैं बट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ द सिलेक्शन ऑफ पेटीकोट। आप चाहें तो शेप वेयर भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं पर्सनली शेप वेयर को यूज़ नहीं करती क्योंकि उससे एक प्रॉपर शेप मिलता है बट कंफर्टेबल नहीं होता वो, इसलिए मैं पर्सनली भी उसे यूज़ नहीं करती हूँ। आप नॉर्मल पेटीकोट जो रहता है उसे यूज़ कर सकते हैं बट बहुत ज़्यादा घेरा वाला को आप थोड़ा सा अवॉइड करें, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से स्लिम लुक नहीं आता। तो आप नॉर्मल पेटीकोट यूज़ कर सकते हैं। एंड फैब्रिक तो लाइक कॉटन चूज़ करना है आपको, एंड अगर आपकी नेट फैब्रिक की साड़ी है तो आप उसके साथ साटिन का जो रहता है वो मटेरियल यूज़ कर सकते हैं पेटीकोट के लिए। एंड कलर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेटीकोट का। अगर आप कोई ट्रांसपेरेंट साड़ी पहन रहे हैं तो उसके साथ उसका जो लाइक मैंने जैसे बताया नेट की साड़ी अगर आप पहन रहे हैं तो उसके साथ साटन का फैब्रिक आप चूज़ कर सकते हैं पेटीकोट के लिए। एंड आपकी साड़ी अगर शिफॉन वगैरह में भी है, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट है, तो आप उसके एग्जैक्ट मैचिंग जो कलर रहता है उसका पेटीकोट सिलेक्ट करें अपने लिए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड अगर आप लाइट कलर की साड़ी पहन रहे हैं तो लाइट कलर के पेटीकोट को यूज़ कर सकते हैं, एंड डार्क कलर की साड़ी पहन रहे हैं तो डार्क कलर के कोई दूसरे कलर के पेटीकोट भी आपके साथ आपकी साड़ी के साथ चल सकता है। अगर थोड़ा सा मोटा फैब्रिक है उसका एंड विजिबल नहीं हो रहा है पेटीकोट तो आप कोई दूसरा डार्क कलर का पेटीकोट भी यूज़ कर सकते हैं। सो एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जब आप स्ट्रिंग बांधते हैं पेटीकोट का पेट में, जब आप अपने बैली बटन के पास पे पेटीकोट की स्ट्रिंग को बांधते हैं तो स्ट्रिंग को आप साइड पे नहीं रख के बीच में सेंटर पे बैली बटन के पास आप रखें अपने पेटीकोट के स्ट्रिंग को, जिससे आप जो साड़ी आप जब ड्रैप करेंगे तो बहुत अच्छे से उसका लुक आता है। एंड साड़ी एक जगह इकट्ठा होके नहीं रहती, एंड साइड वाले एरिया से कई बार ऐसा होता है कि साड़ी बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहती है तो वो पेटीकोट थोड़ा बहुत नज़र भी आ जाता है, बट आप अगर बीच में स्ट्रिंग बांधेंगे उसका पेटीकोट का तो साड़ी बहुत अच्छा उसका फॉल भी आएगा, एंड जो पेटीकोट की ट्रांसपेरेंट साड़ी की ट्रांसपेरेंसी है उसमें पेटीकोट नज़र भी नहीं आएगा। सो आप ऐसा कर सकते हैं ट्राई। पेटीकोट में वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि आप अगर व्हाइट साड़ी पहने हैं तो आप उसके साथ न्यूड पेटीकोट नहीं पहन सकते, वो बिल्कुल मैच नहीं होगा। आपको व्हाइट साड़ी के अंडर व्हाइट पेटीकोट ही पहनना पड़ेगा। बट आप अगर कोई लाइट कलर की साड़ी पहन रहे हैं तो उसके अंडर आप न्यूड पेटीकोट पहन सकते हैं, वो आपके साड़ी के साथ मैच हो जाएगा। आप इस चीज़ को टेस्ट करके भी देख सकते हैं, मेरा किया हुआ है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो आप अगर व्हाइट साड़ी के अंदर व्हाइट पेटीकोट पहनेंगे तो ही अच्छा लुक आएगा, एंड कोई लाइट कलर की साड़ी है तो आप उसके मैचिंग का लाइट कलर का पेटीकोट पहन सकते हैं, या फिर आप लाइट कलर की साड़ी के साथ कोई न्यूड कलर के पेटीकोट को भी वेयर कर सकते हैं।
जिससे वो ट्रांसपेरेंसी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी एंड अच्छा लुक आएगा आपके साड़ी का. सो इस चीज़ को आप ट्राई कर सकते हैं. एंड पेटीकोट के मैं एक पॉइंट और इंक्लूड करना चाहूँगी मैं कि उसकी जो लेंथ है आपके प्रॉपर हाइट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. बहुत ज़्यादा छोट, कई लोगों को ऐसा मैंने देखा है कि बहुत साड़ी से ऊपर उनका पेटीकोट विजिबल होते रहता है एंड ट्रांसपेरेंट रहती है साड़ी एंड पेटीकोट इसमें विजिबल होते रहता है. लाइक आपकी साड़ी का फॉल अगर यहाँ से शुरू हो रहा है एंड पेटीकोट यहाँ से रहता है ऊपर साइड, तो बहुत मतलब और लगता है वो. तो आप उस चीज़ को अवॉइड करें एंड उसकी लेंथ जो है साड़ी का फॉल जो रहता है नीचे फॉल जो लगी रहती है उसके एंड जो साड़ी का लाइक जो फॉल जहाँ पे लगा रहता है वहाँ जस्ट वहाँ टच होनी चाहिए लेंथ पेटीकोट की, उससे मैच होनी चाहिए. बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए पेटीकोट की लेंथ. सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए. एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ ब्लाउज. अगर आप साड़ी पहन रहे हैं तो ब्लाउज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड जैसे आप देख सकते हैं इस टाइम मैंने जो ब्लाउज पहना हुआ है वो एक ब्रोकेड फैब्रिक का है एंड मैंने मैचिंग पिंक पहना हुआ है. बट आप चाहें तो कॉन्ट्रास्ट भी पहन सकते हैं. कॉन्ट्रास्ट आपके साड़ी जो है कलर उसके कॉन्ट्रास्ट में ब्लाउज का भी बहुत अच्छे से लुक आता है. या फिर आप बिल्कुल मोनोक्रोमेटिक लुक रख सकते हैं जिसमें सेम कलर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एकदम कॉन्ट्रास्ट पहन सकते हैं तो वो भी काफ़ी सुंदर लगता है. एंड आप जब साड़ी का पल्लू लेते हैं तो उसे एकदम डायगोनली सेट करें ऐसा, जिससे ब्लाउज की विजिबिलिटी है वो बनी रहे अच्छी तरह से. एंड साड़ी के ब्लाउज का नेक लाइन जो है स्पेशली उस पर आपको ध्यान देना चाहिए कि वो एकदम सिंपल कट होना चाहिए. आप उसे राउंड नेक रख सकते हैं, स्क्वायर रख सकते हैं, प्रिंसेस कट ले सकते हैं, आप कट नेकलाइंस चूज कर सकते हैं. एंड आप चाहें तो बोट नेक रख सकते हैं जैसे इस अभी मैंने पहना हुआ है. तो एकदम नीट आपकी जितनी सिंपल रहेगी ब्लाउज की डिज़ाइन, नेकलाइन जितनी सिंपल रहेगी उतना ही ज़्यादा ग्रेसफुल लुक आता है साड़ी में. तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए. एंड ब्लाउज की फिटिंग नो डाउट बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप कंफर्टेबल फील करेंगे एंड जो लुक है ओवरऑल बहुत अच्छी तरह से आएगा अगर उसकी फिटिंग अच्छी रहेगी तो. ये मैंने रेडीमेड ब्लाउज पहना हुआ है बट इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है एंड ये मैंने अमेजोन से लिया था. अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका एक रिव्यू एंड हॉल शेयर कर दूंगी, इसका रिव्यू शेयर कर दूंगी अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपने जो साड़ी पहनी है एंड आपका ब्लाउज जो है उसके बीच में जो जो कमर का पोर्शन जो विजिबल होता है उसमें मिनिमम 5 इंचेस का गैप रहे तो बहुत अच्छा लुक आता है. बहुत ही एक जो आपके बॉडी का कर्व है वो अच्छी तरह से विजिबल होता है एंड बहुत ग्रेसफुल लुक आता है. तो आपके ब्लाउज एंड साड़ी जो ड्रैप किया है आपने पेटीकोट दोनों के बीच में 5 इंचेस का मिनिमम गैप होना चाहिए. आप उस गैप को बढ़ा भी सकते हैं बट उससे कम गैप रहेगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक नहीं आता, ग्रेसफुल लुक नहीं आता. तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हैं. फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आप जब भी साड़ी पहनें तो उससे पहले आपको जो फुटवेयर कैरी करना है आप उससे पहले पहन लें. लाइक आपको अगर हील्स पहनना है तो आप उस फुटवेयर को पहले पहन लें एंड उसके बाद साड़ी पहनना शुरू करें ताकि साड़ी की जो लेंथ है वो प्रॉपर आए एंड आपका जो फुटवेयर है आप उसमें कंफर्टेबली पहन सकें साड़ी. अगर आपका आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका अगर आपने इतनी बड़ी हील्स पहनी है एंड आप उससे पहले ही साड़ी आपने पहन लिया एंड उसके बाद अगर आप हील्स अपना कैरी करेंगे तो बहुत ही गंदा लुक आएगा एंड ऐसा लगेगा कि साड़ी आपने बहुत ज़्यादा ऊंची पहन ली है. तो इस चीज़ को अवॉइड करना है आपको. एंड आप जब भी साड़ी पहनना शुरू करें उससे पहले आप सोच लें कि मेरे को कौन सा फुटवेयर पहनना है एंड आप उसे पहने एंड उसके बाद साड़ी ड्रैपिंग शुरू करें. एंड अगर आपको साड़ी ड्रैपिंग में भी वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं एक ईजी प्रोसेस शेयर कर दूंगी. एंड इससे पहले मैंने मेरी बेटी को कैसे साड़ी ड्रैप किया था, मैंने नववारी साड़ी भी एंड सीता जी का गेटअप दिया था तो उसमें भी मैंने साड़ी पहनने का तरीका शेयर किया है. तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मैंने सिंपल तरीके से शेयर किया है कि आप साड़ी कैसे पहन सकते हैं. फुटवेयर की बात हो रही है तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि आप जब भी फुटवेयर पहने तो साड़ी पहनते टाइम आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप पेंसिल हील को आपको अवॉइड करना है. आप नो डाउट आप अगर कंफर्टेबल फील करते हैं पेंसिल हील में तो आप पहन सकते हैं बट साड़ी के साथ पेंसिल हील पहनना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है क्योंकि उससे आपकी साड़ी जो है वो डैमेज भी हो सकती है एंड उसके फॉल निकल सकते हैं. एंड कई बार तो ऐसा भी होता है कि साड़ी में साड़ी फट भी जाती है नीचे से. तो आप अगर ब्लॉक हील्स या प्लेटफॉर्म हील जो रहती है नॉर्मल उसे आप चूज़ करेंगे साड़ी के साथ तो बहुत ही ग्रेसफुल लुक आएगा. एंड थोड़ा सा हील्स आपको कैरी करना चाहिए साड़ी के साथ क्योंकि उससे जो आपका बॉडी पोस्चर है काफ़ी अच्छा निखर के आता है. एंड अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप फ्लैट्स भी पहन सकते हैं. आजकल फ्लैट्स भी बहुत ज़्यादा इन है साड़ियों के साथ एंड कुर्तीज़ के साथ भी.
तो अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो आप फ्लैट्स पहन सकते हैं, या फिर आप अगर थोड़ा सा हील कंफर्टेबल हैं आप हील्स के साथ तो आप प्लेटफॉर्म हील या ब्लॉक हील्स अपने लिए चूज कर सकते हैं साड़ी के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड आपका जो बॉडी पोस्चर है एंड साड़ी के साथ ओवरऑल जो लुक है वो बहुत अच्छा निखर के आएगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान दे सकते हैं। सिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आप जब भी साड़ी पहनें तो साड़ी का जो पल्लू रहता है ये बैक साइड का जो रहता है उसे आप अपने काफ लेंथ तक रखें तो उससे बहुत अच्छा लुक आता है। आप उसे एनी हाउ अगर आपकी साड़ी की लेंथ कम है तो भी आप कोशिश करें कि नी से नीचे रखें उसकी लेंथ को, पल्ला ये जो रहता है जो ऐसे साइड से हम लोग लेके जाते हैं एंड बैक साइड पीछे छोड़ते हैं, तो उसे आप कोशिश करें अपने नी से नीचे रखने की एंड काफ लेंथ मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ बट मेरे पिक्चर्स मैं इंसर्ट कर दूंगी तो आप देख सकेंगे कि थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा रहती है जब पल्लों की तो काफ़ी ग्रेसफुल लुक आता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना चाहिए। एंड सेवेंथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि पिनअप आप किस ढंग से कर रहे हैं साड़ी में, एंड आप कोशिश करें कि मिनिमम पिन्स यूज़ करें साड़ी रैप करते टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिन्स आप लगा लेंगे तो साड़ी का जो नेचुरल फॉल है वो अच्छी तरह से नहीं आता एंड साड़ी लाइक अननेसेसरी चिपकी चिपकी लगती है, तो आप उस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए एंड जितनी ज़रूरत हो सिर्फ उतने पिन्स ही आपको अटैच करने चाहिए। मिनिमम 2 to 3 पिन्स सफिशियंट होते हैं, बाकी आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देख सकते हैं। एंड साड़ी में जब यहाँ पल्लू पे पिन्स अटैच करते हैं तो थोड़ा सा बैक साइड आपको पिन यूज़ करना चाहिए, आप अगर ज़्यादा फ्रंट पे पिन लगाएंगे तो वो साड़ी का पल्लू ऐसा बार बार गिरता रहता है जो कि देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता एंड साड़ी भी अच्छी तरह से सेट होके नहीं रहती, बिगड़ते रहती, आप कंफर्टेबल फील नहीं करते उसमें, तो आपको साड़ी का पल्लू जो है थोड़ा सा पीछे तरफ से पिन अटैच करना चाहिए, तो इससे आप एकदम कंफर्टेबली साड़ी को कैरी कर सकेंगे एंड पल्लू जो है बार बार आपको सामने की तरफ आके डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। एंड पिन्स अटैच करते टाइम आप अगर मैचिंग पिन्स भी मार्केट में अवेलेबल है आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो मैचिंग पिंक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक अगर आपने पिंक कलर की साड़ी पहनी है तो आप पिंक कलर के पिंक्स को यूज़ कर सकते हैं, तो उससे पिंक्स की जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है एंड एक नीट लुक आता है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। गाइज दीज आर द 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप अवॉइड कर सकते हैं साड़ी ड्रैप करते टाइम, इसको आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आप छोटे छोटे जो मिस्टेक्स हैं साड़ी ड्रैप करते टाइम फेस करते हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं एंड साड़ी में ओवरऑल जो आपका लुक है काफ़ी सुंदर आ सकता है एंड आप एकदम प्रेजेंटेबल लग सकते हैं, ग्रेसफुल लग सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो शेयर करती हूँ। आप मेरे चैनल को अगर फॉलो करेंगे तो आप व्लॉग्स उसमें देख सकते हैं, हेयर कट के वीडियोज़ देख सकते हैं, बच्चों के हेयर स्टाइल्स देख सकते हैं एंड डे टू डे लाइफ के हैक्स देख सकते हैं एंड मैं डेली व्लॉग्स फेस्टिवल व्लॉग्स ये सब भी शेयर करती हूँ, रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ, एवरीडे लाइफ पे बनने वाली इजी सिंपल रेसिपीज़ भी आप देख सकते हैं। सो वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।